नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम स्टिरअप के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं कि हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे स्टिरअप। स्टिरअप होता क्या है, टाइप ऑफ स्टिरअप, ये हम सब देखेंगे। कॉलेज में किस प्रकार से स्टिरअप की लेंथ फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ स्टिरअप फाइंड करते हैं, और जो हमें कहा जाता है साइड पे नंबर ऑफ स्टिरअप आप फाइंड करके बताइए और कटिंग लेंथ स्टिरअप की दीजिए, ये सब हम सीखेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे डेफिनेशन स्टिरअप की, दैट मीन्स रिंकी या कुंडा, है ना। ये डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन आपके लिए मैंने लिखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में शॉर्ट टर्म में पूछ ले ये टाइप ऑफ स्टिरअप। ये ज्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं, मेरा मेन फोकस है ये, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसकी जो लेंथ है वो किस प्रकार से हम देंगे, है ना। और ये टाइप भी देख लेते हैं हम किस प्रकार से इसको हम बोलते हैं, ये भी देख लो। टाइप ऑफ स्टिरअप जैसे सिंगल लेग, टू लेग, फोर लेग, सिक्स लेग, क्या होता है जो मेन फंक्शन जो स्टिरअप का होता है वो क्या होता है कि आपके जो बार होते हैं, ये बार दिख रहे हैं ना, इसको एक स्ट्रेट पोजिशन में रखे, वो स्ट्रेट लाइन में रखे। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टिरअप आर यूज टू कीप एवरीथिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे क्या दिया है, डेफिनेशन भी देख लो, स्टिरअप इज अ क्लोज लूप, लूप को क्या बोलते हैं, कुंडली ऑफ रेनफोर्समेंट बार विच हैज द मेन फंक्शन ऑफ होल्डिंग द मेन रेनफोर्समेंट बार टूगेदर इन रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट सिम एलिमेंट, है ना, समझ में आ रही बात। आप देखिए, अब ये टू लेग कैसे के हैं, ये वन लेग तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा क्योंकि यहां पे वन बना है। अब ये टू लेग कैसे है, आपको चार दिख रहे हैं, बट यह इसके इस पे हॉरिजॉन्टली पे नहीं जाएंगे, हम वर्टिकल पे जाएंगे। वर्टिकल लेग कितने हैं इसके, एक और दो। ये फोर कैसे है, काउंट करिए, वन टू थ्री फोर, तो फोर लेग हम इसे कहेंगे। ये सिक्स लेग कैसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये इसको प्रैक्टिकली हम अरेंज करके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये स्टिरअप है ना, इसको मैंने ऐसा रख दिया। अब ये क्या हो गया मेरा, एक टू लेग हो गया, कैसे, वन एंड टू। अब सेकंड में स्टिरअप देखता हूं, ये पुट करा मैंने, ये देख पा रहा पूरा क्लियर, तो आप इसको काउंट करें, वन टू थ्री फोर, है ना। इस प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ स्टिरअप। ये कुछ मैंने कुछ फॉलोइंग टाइप बनाए बताए हैं, और ज्यादा भी होता है, डायगोनल भी हम कंसीडर करते हैं, बनाते हैं, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। आइए आप देखते हैं कि कॉलेज में किस प्रकार से नंबर ऑफ स्टिरअप और उसकी लेंथ हम फाइंड करते हैं, हमारे गुरुजी सिखाते हैं, और साइड पे हमको क्या बोला जाता है कि इस प्रकार से कटिंग लेंथ दो भाई, तो ज्यादा फायदा हमको पूछेगा ना। ये मेरे सामने स्टिरअप दिख रहा है, तो इसकी लेंथ हमको फाइंड करना है, जो कि हमें कॉलेज में सिखाई जाती है, वो एक्यूरेट होती है, बट क्या करे, साइड साइड टू साइड है भाई, है ना। तो आइए मेरे साथ सीखिए इसको किस प्रकार से होता है। जैसा कि आप सामने एक क्रॉस सेक्शन देख रहे होंगे, हम सपोज करते हैं बीम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, उसको बीम का क्रॉस सेक्शन, उसमें जो उसकी लेंथ है बीम की वो कितनी है, 2 मीटर, दैट मीन्स 2000 mm, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और कवर हमने क्या दिया है, 40। अब जो बच्चे कवर नहीं समझते हैं वो देख लीजिए, या तो समझ गए होंगे, कवर क्या है, ये स्टिरअप से यहां तक का बीम का जो भी एंड रहेगा उसको हम कवर कहते हैं, ताकि क्या है कि हमारा स्टिरअप दिखे ना भाई, दिख जाएगा तो किस काम का बीम, है ना, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर दिख रहा है आपको ये कुछ दो डंडे, इसको बोलते हुक, जैसे कि आप ये इसको भी लाइव देख सकते हो। अब यहां पे हुक थोड़ा सा गलत प्रोवाइड करा है इनने, बट ये हुक कहलाता है, ये जो निकला है ना इसको बोलते हैं हम हुक, है ना। तो ये कितना देते हैं हम, 10D देते हैं, या फिर 75 mm देते हैं ईच हुक, मतलब यहां पे दो हुक दिख रहे हैं तो दो हुक कहलाएंगे हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं वो डायग्राम के, देख लेते हैं वो डिटेल, देख लेते हैं डायग्राम के और क्रॉस सेक्शन की क्या क्या दिया उसमें। अब लेंथ की अगर बात करते हैं, लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं, तो इसमें लेंथ दी है 300। अब कवर को अगर माइनस कर दे दोनों साइड से तो 220 आ जाएगी भाई, ठीक है ना। उसी प्रकार से ब्रीथ पे भी 300 की इसकी ब्रीथ है, और कवर को अगर माइनस कर देंगे 40-40 तो 220 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखना, आपने जो मैंने इस तरफ तक लिया है, इस तरफ वो कैपिटल ए लिया है, और जो पूरे बीम की जो लेंथ ली है मैंने वो स्मॉल ए ली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टील बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं 12 mm का एट द सेंटर 150 ये काम में आएगा हमारे, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से याद रखना, 150 सेंटर टू सेंटर, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। और चार बार है यहाँ पे, 4 लिख दिया मैंने, और कितने mm के, 12 mm के, तो मेन बार हमारे जो है 12 mm के, मेन एनफोर्समेंट
एट द सेंटर 150, जो कि हम स्टर प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो दो डिस्टेंस दो स्टर रहेगी, जैसे ये स्टर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितने की 150, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये दोनों स्टर दिख रहे हैं आपको, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी लेंगे हम 150 डिस्टेंस, है ना, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी लेंगे 150। पेंसिल से और क्लियर कर देता हूं, ये 150 होगी इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, है ना। तो आइए आप कैलकुलेट करते हैं किस प्रकार से इसने अच्छे से कॉलेज में हमको सिखाया जाता है और साइड पे हमको क्या बोलते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है भाई। अब कॉलेज तो कॉलेज होता है, साइड टू साइड होती है, ये हम सब जानते हैं। तो कॉलेज में जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ स्टर्प का टोटल लेंथ माइनस 2 कवर अपॉन में स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर प्लस 1। अब देखिए टोटल लेंथ हमारे 2000 थी, माइनस 2 क्यों करा, क्योंकि दो कवर हमारे पास है, लेफ्ट एंड राइट, है ना। कितने का कवर है, 40 का है, और स्पेसिंग कितने की है, 150 की है, प्लस 1, तो कितना आ गया 13.8। जब हम इसको ब्रह्मास्त्र से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13.8, तो उसको बना देंगे 40 नंबर, मतलब 40 नंबर स्टेरअप हम प्रोवाइड करेंगे किसमें, 2 मीटर की लेंथ में, ठीक है। अब लेंथ ऑफ वन स्टर, अब इसकी हम इसकी लेंथ अगर हम फाइंड करेंगे टोटल कितनी लेंथ होगी इसकी, देख पा रहे होंगे आप, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 A A प्लस B प्लस 30 एक्स्ट्रा। अब 30 एक्स्ट्रा हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, 30 एक्स्ट्रा मतलब 30 mm, ओके। अब A क्या था हमारे पास, 220 था, कवर माइनस करके कैपिटल A, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे 220। अब देखो यहां पे स्क्वायर हम स्टरअप ले रहे हैं, बीम ले रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर ले रहे हैं ना कि रेक्टेंगल, ओके। प्लस 30 एक्स्ट्रा मतलब 30 mm। अब इसको पूरे को जब कैलकुलेट करेंगे इससे इसके हेल्प से हमारे, तो 910 mm आएगा। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.910 mm। अब ये तो हमारी हो गई थी कॉलेज की बात, अब देखते हैं साइट पर हमको किस प्रकार से बताया जाता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो उसको लाइक करिए और उसको पूरा देखिए, ये तो कॉलेज की वाली बात थी, अब साइट पर क्या होता है वो भी थोड़ा देख लो, मजा आए तो लाइक दबा देना भाई, है ना। अब देखिए फोर साइड यहां पे मैंने लिखा है, जब इसे हम बेंड करते हैं, इससे स्ट्रप को बेंड करते हैं, तो ये कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी स्टील की, जब इसे हम बेंड करते हैं तो कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है। अब ये 90 डिग्री बेंटअप है, तो 2D अगर मान लो कि 45 पे बेंड करते हैं तो 1D इंक्रीज होगा, D मतलब डायमीटर। अब 130, अब ये जो स्टरअप है ये भी 90 पे, अगर मान लो कि ऐसा होता है ना, तो 135 पे बेंटअप होता, मतलब 3D बेंटअप होता वो, ठीक है। ये हम थोड़ा नॉलेज वाली बात है, ध्यान में रखना बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब देखिए जो साइड पे होता है कि आपको भाई नंबर ऑफ स्टर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल लेंथ अपॉन स्पेसिंग कर देते हैं हम, तो कितना निकल गया, फिर भी अप्रोक्स 40 नंबर निकल गया, उसमें भी 40 निकला था हमारा जो कॉलेज में हमने स्टडी की थी, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं साइड पे हमको, कटिंग लेंथ फाइंड करके बताओ स्टर्प की। अब यहां पे क्या था, टोटल लेंथ थी, टोटल लेंथ हम फाइंड कर रहे थे, अब यहां पे क्या बोलते हैं हमको, कटिंग लेंथ फाइंड करके बताओ भैया। तो कटिंग लेंथ फाइंड कैसे करेंगे हम, ये फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 A + B तो हमारा था ही, बस वहां पे क्या था 30 + एक्स्ट्रा था, तो यहां पे क्या करते हैं कि 5 बेंटअप रहेंगे। अब देखिए ये जो स्टर्प है, ये आपको मैं बताता हूं, इसमें 5 बेंटअप आते हैं, 1, 2, 3, 4 और इसके नीचे 5, देख पा रहे, तो 5 बेंटअप आए तो कितना आएगा 2 D, 5 बेंटअप है, वो माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एलंगोट होती है, लॉन्ग होती है, बढ़ती इंक्रीज होती है, इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। प्लस 2 हुक, अब 2 हुक है हमारे पास, 1 और 2, अभी 90 डिग्री पे बेंटअप है, लेकिन 135 पे होते हैं वैसे बेंटअप, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हुक का फॉर्मूला मैंने बताया था कि 10D लेते हम, है ना, तो दो हुक है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, डी की जगह डाई, जो भी हम डाई यूज कर रहे हैं, 8 का डाई है इसका, स्टरअप का 8 का डाई है, तो 8 हम पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरे को कैलकुलेट करेंगे, जब हमारे पास कहीं मिल जाएगा 960 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.960 मीटर। अब ये क्या था हमारे पास, कटिंग लेंथ हम बोलते हैं, ये कटिंग लेंथ हमको देनी पड़ती है साइड पे,
ठीक है। और ये हमको कॉलेज में हमको बताते हैं कि भाई टोटल लेंथ इस प्रकार से फाइंड हो गई। थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 0.910 है और यहाँ पे कितना है 0.960। अब इसको माइनस अगर हम करते हैं, एक मिनट, 0.960 माइनस 0.910 तो कितने का डिफरेंस है 0.05। अब इसको एमएम में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो बस केवल कितने का आया हमारा डिफरेंस 50 एमएम। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करेंगे हम 10 से तो 5 सेंटीमीटर आ गया, मतलब 2 इंच। 5 सेंटीमीटर मतलब 2 इंच, 1 इंच हमारा 2.5 सेंटीमीटर का होता है, तो 2 इंच का डिफरेंस आएगा बस, है ना। लेकिन क्या होता है, ये वाला हम देंगे तो ज्यादा अच्छा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। हमको तो स्ट्रक्चर हमारा अच्छा रखना है ना भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलेज वाला फाइंड करने वाला, ठीक है। और ये हो गया साइड पे जो हम एक्चुअल में फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, लैप लेंथ क्या होती है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बार ऑफ बीम। अब ये तो मैंने स्ट्रक्चर की लेंथ फाइंड करके बताई थी आपको, अब जो बीम में जो लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं तो कितनी प्रोवाइड करना चाहिए, कितनी हमको कटिंग लेंथ देना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।